गाइज वेलकम टू ऑल सेल फॉर आवर ट्यूटोरियल। तो जैसे कि अब हम लोगों ने जो भी अपना बायोकेमिस्ट्री का चीज़ें थी मैं आप लोगों को बताई थी कि मैं इंपॉर्टेंट सीरीज के फॉर्म में लेकर के आऊँगी। सेकेंड तो हो चुका है कम्प्लीट। यूनिट थर्ड जो है जो आपका लिपिड मेटाबॉलिज्म है, तो उसमें मैं आगे बताती हूँ दो क्वेश्चन जो कि मैं जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। सबसे पहला क्या है हमारा बीटा ऑक्सीडेशन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। तो पूछता कैसे पहले तो ये जानते हैं। राइट अ नोट ऑन द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। और एक चीज़, ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है यहीं पे पूछ सकता है या तो फैटी एसिड या तो पूछ सकता है पाल्मिटिक एसिड, ठीक है। तो इन तीनों में से कुछ भी क्वेश्चन पूछे आपको इसी जो मैं बताने जा रही हूँ यही जवाब लिखना है। एंड एनर्जेटिक ऑफ पाल्मिटिक एसिड कि वो कितने एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है जब एक बीटा ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। सैचुरेटेड मतलब पता है आप लोगों ने, जिसमें डबल बॉन्ड एब्सेंट होता है। तो पाल्मिटिक एसिड 16 कार्बन की चेन होती है जिसमें डबल बॉन्ड एब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ सैचुरेटेड फैटी एसिड। अब देखो नोट्स ऑन द बीटा ऑक्सीडेशन है, तो नोट्स ऑन द बीटा ऑक्सीडेशन कैसे बीटा ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को चलिए जल्दी से एक्सप्लेन करती हूँ। और ये क्वेश्चन 2018, 2022 और 2023 में भी आएगा, ठीक है। तो ये दो साल तो पूछा ही, और भी बहुत ज़्यादा पूछता है लेकिन ये अभी रिसेंट है, ठीक है। वॉट इज़ अ कीटोन बॉडी, दूसरा क्वेश्चन है। वॉट इज़ कीटोन बॉडी, फॉर्मेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडी, ये पूछता है। तो ये बहुत ही ईजी है और 2018, 19, 22 और 23 में आने वाला है। तो 2000 ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आगे देख लेंगे कुछ है जैसे कि यूरिया साइकिल है, डीनोवो, तो वो हम आगे बता देंगे आपको। अभी दो क्वेश्चन आज देखेंगे, ठीक है। तो राइट अ नोट ऑन द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड एनर्जेटिक ऑफ पाल्मिटिक एसिड। मैं फिर से बता रही हूँ कि अगर बीटा ऑक्सीडेशन पूछे चाहे कुछ भी पूछे आपको लिखना क्या है, जो मैं बता रही हूँ यही, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका जवाब, ठीक है। तो देखो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन है ना, तो देखो हमें पता है कि जो हमारा लिपिड होता है जब वो ऑक्सीडाइज होता है तो क्या बनता है, फैटी एसिड बनता है और अल्कोहल बनता है। इतना पता है, जब लिपिड जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है लिपिड का, तो क्या बनता है, फैटी एसिड और अल्कोहल बनता है। अब यही फैटी एसिड जब फिर से ब्रेक डाउन होता है तो हमें एनर्जी देता है। इतना बात क्लियर हुई। लिपिड क्या करता है, फैटी एसिड और अल्कोहल बनाता है, और यही फैटी एसिड जो होता है फिर क्या होता है, जब टूटता है तो क्या बनाता है, हमारा एनर्जी क्रिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एनएडीपीएच, एफएडी, बहुत से फॉर्म में, ठीक है। तो देखो अब पहले जानो कि ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडाइज होना, मतलब जो उसमें ऑक्सीजन ग्रुप है उसका ऑक्सीडेशन, मतलब वही मेन फंक्शन करता है ऑक्सीडेशन का। कैसे करता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड ऑन द बीटा कार्बन एटम इज कॉल्ड द बीटा ऑक्सीडेशन। आया समझ में? यानी जो फैटी एसिड है हमारे पास, मतलब पहले तो लिपिड हमारा फैटी एसिड में बन गया, अब ये जो फैटी एसिड है इसमें से जो हमारा बीटा कार्बन होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन। अल्फा ऑक्सीडेशन भी होता है, ओमेगा ऑक्सीडेशन भी होता है, अगर आप बुक्स पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ पता चलेगी, पर यहाँ पे हमारे सिलेबस में सिर्फ बीटा ऑक्सीडेशन, दैट्स व्हाई आई एम ओनली गो अबाउट द बीटा ऑक्सीडेशन। फैटी एसिड इन द बॉडी मेनली ऑक्सीडाइज बाई बीटा ऑक्सीडेशन, ठीक है। क्योंकि हमारे जो फैटी एसिड होता है बॉडी में वो मेनली ऑक्सीडाइज किसके थ्रू होता है, बीटा ऑक्सीडेशन की वजह से। आफ्टर इट टू कार्बन फ्रेगमेंट एसिटाइल कोएंजाइम विल रिमूव, मतलब जो हमारा ये ऑक्सीडेशन हो जाता है तो हमें क्या मिलता है, मेनली दो एसिटिल कोएंजाइम मिलते हैं, एसिटिल कोएंजाइम। ये जो एसिटिल कोएंजाइम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आप कहीं पर भी पढ़ोगे, आप क्रेब्स साइकिल में ये चला जाता है, वहाँ पर भी फॉर्म कर प्रेकर्सर के फॉर्म में यूज़ होता है, ठीक है। तो इतना समझ आया। अच्छा एक चीज़ बता दूँ आप लोग को कि देखो यहाँ पे मैंने लिखा बीटा कार्बन, मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड ऑन द बीटा कार्बन। अब क्या होता है, देखो मान लो ये है, ठीक है, मान लो आपकी फैटी एसिड के स्ट्रक्चर है, होता है ना कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होता है फैटी एसिड में। तो फैटी एसिड में देखो जो ये हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये तो हमारा फंक्शनल ग्रुप है। अब फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा पहला कार्बन, ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया और ये तीसरा कार्बन हो जाएगा। तो जो फैटी एसिड से जुड़ा पहला कार्बन होता है इसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, और फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा पहला कार्बन जो होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, और फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा दूसरा कार्बन जो होता है इसको क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो है ना हमारा कार्बन, इसका ही ऑक्सीडेशन होता है बीटा, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द बीटा ऑक्सीडेशन, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। समझ आया? देखो बहुत ईजी फॉर्म में बता रही हूँ चीज़ों को, बस दिमाग खोल कर कॉपी पेन लेकर के बढ़िया से बैठो, ठीक है, और जो चीज़ बताते चल रहे हो वो लिखते चलो, फिर बाद में देख करके एक बार नोट्स निकाल लेना। वैसे मैं नोट्स प्रोवाइड भी करा देती हूँ तो इजी हो जाती हैं चीज़ें। और देखो स्टेजेस की बात करते हैं, आप लोग कहीं पढ़ोगे ना तो बहुत टफ हो जाता है, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ कि बहुत इजी वे में बताने को, तो बहुत इजी है भी, ठीक है। तो चलो देखते हैं। और आपका 7 से कुछ लोगों 7 नंबर में पूछता है, कुछ में 5 में, कुछ में 10 में, हर जगह से आप लिख करके आओगे ना आप, इनफ है, मतलब वो काट ही नहीं सकते मार्क्स आपके। तो चलो स्टेजेस ऑफ फैटी एसिड में 3 चीज़ें होती है। देखो हमें सबसे पहले जो होता है एक्टिवेशन करना होता है फैटी एसिड का, यानी फैटी एसिड को हमारा कन्वर्ट करना होता है किसमें, एसाइल कोएंजाइम में,
ठीक है, बस इतना जानो एक बार, एक्टिवेशन करना होता है जो कि कहाँ पर होता है, साइटोसॉल में होता है। दूसरा ट्रांसपोर्ट करना, अब जो एक्टिव हो चुकी हैं चीज़ें उसको ट्रांसपोर्ट करना होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे क्या होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं बीटा ऑक्सीडेशन के लिए। तो अब हमें उसे ट्रांसपोर्ट करना होता है कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट अब क्या होता है, मेन प्रॉपर बीटा ऑक्सीडेशन, यानी जो हमें चाहिए वो ऑक्सीडेशन होगा बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ पर, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। आपको पता होगा कि मैट्रिक्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, तो आपको पता होगा कि मैट्रिक्स जो होती है, ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया मेन होता है उसके अंदर जो होता है एक मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर क्या होता है हमारा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, जो आपकी छोटी छोटी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसको मैट्रिक्स कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को एक्स्ट्रा छोटा सा बताने की कोशिश करूँ, तो मान लो देखो ये देखो ये क्या होता है, हमारा माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ये दोनों, और ये जो छोटे छोटे क्रिस्टी लाइक स्ट्रक्चर देते हैं दैट्स कॉल्ड द क्रिस्टी और मैट्रिक्स, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसी मैट्रिक्स में हमारा क्या होता है, एंजाइम प्रेजेंट होता है विच इज़ हेल्प फॉर द बीटा ऑक्सीडेशन, ठीक है, इतना आया समझ में। तो तीन स्टेजेस की हो गई। अब देखो बहुत ध्यान से, दिमाग खोल के बैठना, ठीक है। देखो अब पहला मैं बताने जा रही हूँ फैटी एसिड एक्टिवेशन। तो ये फैटी एसिड एक्टिवेशन कैसे होता है, कहाँ होता है, क्यों होता है, सब बताऊँगी बहुत अच्छे से। पहले तो ये जानो कि दो स्टेप की प्रोसेस है, ठीक है, कितने स्टेप की, दो स्टेप की प्रोसेस है। क्योंकि आप लोगों को देखो ऐसे याद करना पड़ेगा, वहाँ पर ट्रिक लगानी पड़ती है, कभी कभी हम भूल जाते हैं कि क्या इसमें क्या था उसमें क्या था, कुछ नहीं दिमाग लगाना, जैसे बता रही हूँ ध्यान से सुनो। और जो एक्टिवेशन है, अब देखो किसी इंसान को एक्टिव कराना है तो उसको ग्लूकोज दो देना पड़ेगा, मतलब पहले तो पानी फेंक दो, पंखा बंद कर दो, ठीक है, कुछ ऐसे करते हैं ना हम लोग घर में। तो उसको एक्टिव कराने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, जिससे एनर्जी देनी पड़ती है, जैसे खाना खाएंगे हम तो ही तो हम एक्टिव होंगे, अगर नॉर्मल भाषा में बात करें, एग्ज़ाम आएगा तो ही तो हम एक्टिव होंगे, तो एग्ज़ाम इज़ लाइक एटीपी, ठीक है आप लोग के लिए। तो इट रिक्वायर्स द एटीपी, कोएंजाइम ए एंड मैग्नीशियम, ठीक है, मतलब इसको एटीपी की ज़रूरत पड़ रही है, कोएंजाइम ए जो होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है और मैग्नीशियम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। चलो अब देखो क्या है इसमें, दिख रहा है आप लोग को, फैटी एसिड प्लस एटीपी, यानी फैटी एसिड और एडिनिन एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट यानी एटीपी जो होते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ थायोकाइनेज, ये एंजाइम होता है, इसके प्रेजेंस में क्या करते हैं, बनाते हैं एसिटिल एल्डिहाइड, मतलब इसी को एसिल एडिनाइलेट भी बोलते हैं, ठीक है, एसिल एडिनाइलेट प्लस कोएंजाइम, ठीक है, यहाँ पे कोएंजाइम का फॉर्मेशन होता है। अब देखो यहाँ से बन तो गया, अब यहाँ पे क्या होता है हमारा पीपीआई यानी पाइरोफॉस्फेट जो होता है वो एक रिमूव होता है, यानी एटीपी है ट्राईफॉस्फेट, तो हमारे यहाँ पे अब क्या हो गया, एक हिसाब से देखा जाए तो अमी एएमपी बन गया ना, देखो मतलब देखो एटीपी था ट्राईफॉस्फेट, अब एडीपी हो गया डाईफॉस्फेट यहाँ पे जुड़ गया, अब यहाँ से फिर एक एएमपी निकलता है तो हमारा एसाइल कोएंजाइम बन जाता है, यानी एडिनिन मोनोफॉस्फेट, यहाँ पे ट्राईफॉस्फेट था, अब यहाँ पे जो है दिख नहीं रहा है, पर यहाँ पे क्या बचा, डाईफॉस्फेट बचा, एडिनिन डाईफॉस्फेट, अब यहाँ से एक एएमपी और निकल जाएगा जिसकी वजह से हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे पीपीआई ग्रुप निकल गया था, यहाँ एएमपी सिर्फ बचेगा, गुड, ठीक है, तो यहाँ ए एम पी बचेगा और बन जाएगा हमारा लास्ट में क्या, एसाइल कोएंजाइम, हमें यही तो चाहिए था, एक्टिवेशन हो गया इसका, ठीक है। अब हमें ये एसाइल कोएंजाइम अभी कहाँ पे बना है, साइटोसॉल में है, अब इसको कहाँ लेके जाना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, जब हम इसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, तो उसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैटी एसिड, जो कि आपका क्या था, सेकेंड स्टेप था, देखो ये देखो पहला हमारा एसाइल कोएंजाइम बन गया, यानी फैटी एसिड एक्टिवेशन तो हो गया, अब हमें उसको क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। तो लेट्स सी हाउ वी विल ट्रांसपोर्ट इट, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है ट्रांसपोर्ट ऑफ एसाइल कोएंजाइम इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि अब देखो एक्टिवेशन हो गया है, अब हमें उसको ट्रांसपोर्ट करना है। तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए कैसे चाहिए, मान लो अब हमें ट्रांसपोर्ट करना है, मान लो कोई इंपॉर्टेंट चीज़, ट्रांसपोर्ट मतलब क्या था, एक जगह से दूसरी जगह भेजना, तो अब वो अचानक चली नहीं जाएगी, उसके लिए हमें कुछ ऐसा, मान लो जैसे कि आप लोग को पोस्ट भेजना होता है, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, आप लोग को एक लिफाफा चाहिए होता है, उसमें आप डालते हो उस पोस्ट को, मतलब जो भी लेटर या कुछ भी चीज़ें जैसे कंसर्न लेटर कुछ भी रहता है उसको फिल करते हो, फिर जाते हो पोस्ट ऑफिस, वहाँ पे ऐसे होती है ना प्रोसेस, तो यानी कुछ हमें चाहिए, तो वो कौन है, यहाँ पे कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ ऐसे इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर ही प्रेजेंट होते हैं जो फंक्शन करते हैं किसी भी चीज़ को अंदर ले आने के लिए और फिर बाहर ले जाने के लिए, उनको कहते हैं कैरियर प्रोटीन, ठीक है, इतना समझ आया। अब देखो वहाँ पे हमारा क्या एक्टिव हुआ था, एसाइल कोएंजाइम। अब ये एसाइल, क्योंकि देखो अब एक चीज़ और, हमारा जो फैटी एसिड यानी एसाइल कोएंजाइम है वो क्या होता है ना, इम्परमेबल होता है, यानी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में इम्परमेबल होता है, दैट्स वाई हमें कार्निटिन कैरियर सिस्टम जो होता है उसका यूज़ करना पड़ता है। अब ये क्या होता है, देखो मुझ पर छोड़ो मैं बताती हूँ। देखो कार्निटिन मतलब क्या होता है, ये एक सब्सटेंस, एक कंपाउंड मान लो होता है। अब एसाइल कोएंजाइम जो होता है वो कार्निटिन से रिएक्शन करता है और उसके साथ जुड़ जाता है,
जुड़ जाने के बाद एक एंजाइम होता है कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज फर्स्ट, याद रखिएगा फर्स्ट है, ठीक है। कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज फर्स्ट होता है, ये क्या करता है, एसाइल कोएंजाइम और कार्निटिन ये दोनों आपस में जुड़ गए हैं, इनको क्या करता है यानी बन क्या जाता है, इसके प्रेजेंस में एसाइल कार्निटिन बन जाता है। अब ये एसाइल कार्निटिन जो होता है, क्योंकि अब एसाइल तो हमारे अंदर नहीं जा सकता आराम से, तो हमारा इसीलिए कार्निटिन जो होता है उसके साथ ऐड होता है, तब जा करके ये जो होता है कैरियर प्रोटीन के माध्यम से या कैरियर प्रोटीन के थ्रू ये क्या करता है हमारा जाता है कहाँ, ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसको पार करके हमारा कहाँ जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आ गया। आया समझ में? देखो एसाइल कोएंजाइम जो होता है ये हमारा माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में आसानी से नहीं जा सकता, इसलिए कार्निटिन के साथ ऐड होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज फर्स्ट, ये बन गया हमारा एसाइल कार्निटिन। अब ये एसाइल कार्निटिन जो होता है कैरियर प्रोटीन के प्रेजेंस में कहाँ जाता है, अंदर जाता है, एसाइल कार्निटिन बनाता है। अब देखो एसाइल कार्निटिन तो बन गया, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, सिर्फ एसाइल चाहिए ना, हमें एसाइल कोएंजाइम चाहिए, तो हमारा फिर से वही एंजाइम आता है कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज टू। यहाँ पे फर्स्ट था, यहाँ पे टू था, ध्यान रखिएगा फर्स्ट था टू था। अब वो क्या होता है, टूट जाता है किसमें, एसाइल कोएंजाइम में और कार्निटिन में, ठीक है, एसाइल कोएंजाइम में और कार्निटिन में टूट जाता है। अभी जो कार्निटिन होता है ये तो वापस से बाहर चला जाता है, क्योंकि इसको नए एसाइल कोएंजाइम के साथ फिर से अटैच होना रहता है, क्योंकि साइकिल तब तक चलती रहती है जब तक जो हमारा फैटी एसिड है ये पूरी तरह से ऑक्सीडाइज ना हो जाए, तो अभी कार्निटिन फिर से चला जाता है और जो एसाइल कोएंजाइम है इसका बीटा ऑक्सीडेशन होने लगता है, प्रॉपर बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, मैट्रिक्स में होता है। या ये समझ में, यहाँ पे देखो मैंने लिखा है रिटर्न कार्निटिन फॉर द रीयूज, यानी जो कार्निटिन ये वाला है ना ये वापस से चला जाता है रीयूज होने के लिए, ठीक है। तो आया समझ में? देखो मैंने यहाँ पे एक चीज़ और लिखी है मेलानॉइल कोएंजाइम, ये जो मेलन कोएंजाइम होता है ये COA होता है, कोएंजाइम को बोलते हैं, इज अ मेटाबोलाइट विच हैज इनहिबिट द कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज फर्स्ट, यानी जो आपका एंजाइम था ना यहाँ पे कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज फर्स्ट ये जो होता है ना इनहिबिट हो जाता है, अगर ये मेलानॉइल कोएंजाइम जो होता है इसको इनहिबिट कर देता है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे लिखना चाहो तो लिख लेना आपकी नॉलेज के लिए, जैसे ये सब ना कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछता है, दैट्स व्हाई आई हैव ऑलरेडी इंक्लूड दिस टाइप ऑफ पॉइंट, बिकॉज मुझे पसंद है ऐसे अपने एग्जाम्स में लिखना, तो मैं इसीलिए आप लोग को भी बता देती हूँ, और बहुत अच्छा होता है इससे ना, थोड़ा सा एग्जामिनर जो है ना उसका मतलब इम्प्रेशन बढ़ता है उस पर। तो थर्ड हमारा और मेन बहुत अच्छा क्या है हमारा, बीटा ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो बीटा ऑक्सीडेशन होता क्या है, ये प्रॉपर बीटा ऑक्सीडेशन इसी को कहते हैं, यानी ये थर्ड स्टेप है। देखो अब एक्टिव हो गया हमारा फैटी एसिड, ट्रांसपोर्ट हो गया, और अब हमारा क्या होगा उसका बीटा ऑक्सीडेशन। अच्छा बीटा ऑक्सीडेशन करवा क्यों रहे हैं ये सोचा था आप लोगों ने, हमें एनर्जी चाहिए, बीटा फैटी मतलब लिपिड, लिपिड से हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, जैसे आप लोगों को पता होगा जो ऊँट होता है कैमल, कैमल जो होता है वो अपने हैम्प मतलब उसका जो हैम्प होता है उसमें क्या कर रहता है, रखा रहता है लिपिड को, तो अगर वो खाना ना भी खाए ना तो ये जो लिपिड होता है ये टूटता है बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये जो वाटर होता है ना, दैट्स वाई हम लोग कहते हैं जो ऊँट होता है वो अपने मतलब उसको क्या बोलते हैं, जो हैम्प होता है, हैम्प की हिंदी पता नहीं क्या होती है, हैम्प में जो होता है वो इकट्ठा किया रहता है लिपिड को, जिससे उसको वाटर मिलता रहता है, तो कहते हैं वाटर इकट्ठा किया, वाटर नहीं इकट्ठा करता वो मेनली, उसे मेटाबोलाइज्ड वाटर कहते हैं, क्योंकि वो जो हैम्प है ना वहाँ पे वो उस लिपिड को मेटाबोलाइज करके वाटर बनाता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ मेटाबोलाइज्ड वाटर, ठीक है। तो बीटा ऑक्सीडेशन में क्या है, देखो लिपिड लिबरेट टू एसिटाइल कोएंजाइम, इन जितने भी बीटा ऑक्सीडेशन होती है उसमें दो एसिटाइल कोएंजाइम हमें मिलता है, और ये चार स्टेप की प्रोसेस होती है। आप लोग को एक चीज़ ट्रिक बता दूँ, OHOC याद रखना, क्या याद रखना है, OHOC, यानी फर्स्ट स्टेप जो होती है वो ऑक्सीडेशन होती है, फिर हाइड्रेशन होती है, हाइड्रोजिनेशन या हाइड्रोलिसिस, ये सब मत लिख के आना प्लीज़, ऑक्सीडेशन हाइड्रेशन ऑक्सीडेशन और क्लीवेज, ठीक है, चार प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन हाइड्रेशन ऑक्सीडेशन और क्लीवेज। अब देखो होती क्या है, अभी तक आप लोगों को क्या मिल गया माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, एसाइल कोएंजाइम मिल गया, कार्निटिन तो वापस चला गया, एसाइल कोएंजाइम मिल गया, मिला था कि नहीं। अब देखो क्या होता है, आप लोगों को क्या याद करना है मैं पहले बताऊँ, ये एसाइल कोएंजाइम जो होता है इससे हमें मिलता है ट्रांस इनॉइल कोएंजाइम, ठीक है, एसाइल कोएंजाइम से मिलता है ट्रांस इनॉइल कोएंजाइम इन द प्रेजेंस ऑफ एसिल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज। देखो जहाँ जहाँ पे ऑक्सीडेशन है वहाँ वहाँ डिहाइड्रोजिनेज लगाना, यानी जो आप बना रहे हो ना कुछ एंजाइम में है नहीं, देखो एसाइल कोएंजाइम यही वाला ले लियो और डिहाइड्रोजिनेज जो है वो ऐड करना है क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऐसे यहाँ पे बी हाइड्रोक्सी कोएंजाइम हो गया और ऑक्सीडेशन है क्योंकि, तो डिहाइड्रोजिनेज लगा दिया, ठीक है, ये एंजाइम्स हैं, और यहाँ से डिहाइड्रोजिनेज यानी FADH2 रिलीज हो रहा है, ठीक है। अब देखो ट्रांसिनॉइल कोएंजाइम हो गया, अब इसका क्या होगा, हाइड्रेशन होगा, हाइड्रेशन होना मतलब क्या होता है, अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होगा उसमें ऐड हो जाएगा, यानी इनॉइल कोएंजाइम हाइड्रोटेज आ गया, बहुत इजी है, इनॉइल कोएंजाइम ये वाला हो गया, हाइड्रोटेज आपका हाइड्रेशन वाला आ गया, तो बन गया बीटा हाइड्रोक्सिल एसाइल कोएंजाइम। अब देखो क्या होगा, फिर ऑक्सीडेशन होगा तो वही बीटा हाइड्रोक्सिल एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज लगा दो तो बन जाएगा बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम, ठीक है। और फिर अब लास्ट में हमारा क्या होता है, क्लीवेज होता है, तो क्लीवेज में क्या होता है हमारा, थायोलेज, क्लीवेज मतलब तो जहाँ पे लेज आ गए यानी कुछ चीज़ें टूट रही हैं, थायोलेज, ठीक है।
तो यहाँ पर सी ओ ए एस एस जो होता है वो ऐड होता है और एसिटिल को एंजाइम बन जाता है और एसिटिल को ए बन जाता है। आया समझ में? यानी थायरोलेज में क्या हो रहा है, मेनली एसिटिल को एंजाइम मिल गया और हमें एसिल को एंजाइम मिल गया और एसिटिल को एंजाइम मिल गया। अब ये जो तुम्हारा एसिटिल को एंजाइम है ये वापस से हमारा कहाँ चला जाता है, ये ऊपर हमें चाहिए ना एसाइल को एंजाइम, ये एसाइल को एंजाइम यहाँ चाहिए ना, एक मिनट, हाँ ये एसाइल को एंजाइम चाहिए, तो ये वापस से आपके एसाइल को एंजाइम में चला जाता है, जबकि जो ये एसिटिल होता है ये क्रैप साइकिल में जा करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। एसिटाइल को एंजाइम आप लोग सिट्रिक एसिड साइकिल में पढ़े थे ना, वहाँ पर क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। ठीक है, तो देखो एक चीज़ और यहाँ पे देखो क्या है, बीटा इनॉइल है ना, इनॉइल मतलब क्या होता है हमारा, हाँ इनॉइल मतलब देखो इनॉइल होता है हाइड्रोक्सिल एसिल है और ऑक्सीडेशन करके वो कीटो बना रहा है। हाइड्रोक्सिल मतलब ओ एच ग्रुप होता है और कीटो मतलब डबल बॉन्ड ओ होता है। तो देखो ये हमारा क्या मान लो जो हमारा बीटा हाइड्रोक्सिल है ये बीटा हाइड्रोक्सिल है, बीटा हाइड्रोक्सिल डिहाइड्रोजिनेज आ जाएगा तो हमारा ये जो देखो यहाँ पे ओ एच था ना ओ एच, अब ये क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड ओ बन जाएगा यहाँ पे, यानी इन हमारा कीटो ग्रुप आ गया। अब कीटो अब सी ओ ए एस एच जुड़ेगा तो देखो अब हमारा एक तो एसिटिल बन जाएगा ये सी एच थ्री, क्योंकि देखो वैलेंसिंग अपडेट हो जाएगी, समझ आ रहा है, सी एच टू है तो यहाँ वैलेंसिंग चार होनी चाहिए ना कार्बन की, तो सी एच थ्री सी ओ और एस ओ को एंजाइम आ जाएगा, तो ये हमारा क्रैप साइकिल में जाके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना देगा। और देखो जब इसको आप यहाँ से तोड़ोगे ऐसे मान लो ब्रेक कर दो, ठीक है ब्रेक कर दिया, अब हमारा क्योंकि हम सी ओ एस एच और जोड़ रहे हैं एक, तो एस ओ को एंजाइम आ जाएगा और वो वापस हमारा कहाँ जाएगा, तो ये एसाइल बन गया और ये एसिटिल बन गया। तो और ये प्रोसेस जो होती है तब तक चलती रहती है जब तक हमारा बहुत अच्छी तरह से क्या ना हो जाए, बीटा ऑक्सीडेशन कम्प्लीट ना हो जाए। ठीक है, तो चलो बात कर लेते हैं इसके एनर्जेटिक्स ऑफ पाल्मिटिक एसिड की। तो इसमें कुछ है नहीं, इसी में सैचुरेटेड फैटी एसिड भी बोलना है। तो पहले देखो सैचुरेटेड मतलब क्या होता है, सैचुरेटेड मतलब क्या होता है, नो डबल बॉन्ड, मैंने सबसे पहले लाइन यही बताई थी शायद। और पाल्मिटिक एसिड जो होता है ये 16 कार्बन की चैन होती है जो इसमें डबल बॉन्ड एब्सेंट होता है, मतलब सिर्फ सिंपल चैन होती है। ठीक है, याद रखना 16 कार्बन की होती है, 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं कभी कभी चीज़ें। अब देखो पाल्मिटोइल कोएंजाइम जो होता है अंडरगो 7 साइकिल ऑफ द बीटा ऑक्सीडेशन टू यील्ड द 8-एसिटिल कोएंजाइम, यानी अगर देखो पाल्मिटोइल जो होता है ये पाल्मिटिक एसिड के पहले की प्रोसेस होती है जब वो एक्टिवेट नहीं हुआ होता है। ठीक है, पहली चीज़, तो अब ये देखो बीटा ऑक्सीडेशन करने पर क्या बनाता है 8-एसिटिल कोएंजाइम, हमें बताया कभी आपसे ये कुछ कोई पूछे ना कि बीटा ऑक्सीडेशन में क्या बनता है, तो आपको बस एक चीज़ बतानी है कि एसिटिल कोएंजाइम बनता है, कितना बनता है वो डिपेंड करता है कि उसकी साइकिल कितनी बार चल रही है। ठीक है, तो 8-एसिटिल कोएंजाइम बनता है पाल्मिटिक एसिड में, अब वो गो इन सिट्रिक साइकिल एंड कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर वन कॉम्प्लेक्स और कंप्लीट करता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, इतना आया समझ में ना? देखो बीटा ऑक्सीडेशन जो होती है पाल्मिटिक एसिड में 7 साइकिल होती है, कितनी साइकिल होती है 7 साइकिल होती है, यानी अगर कभी ये भी पूछे कि पाल्मिटिक एसिड के में कितनी साइकिल बीटा ऑक्सीडेशन की होती है, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है ये देखो 7 साइकिल ऐसे होती है कि 7 साइकिल बीटा ऑक्सीडेशन की यहाँ पे होती है। तो अब क्या होता है, FADH2 होता है 1.5 ATP, NADH होता है 2.5 ATP और एसिटिल कोएंजाइम के पास 10 ATP, ये भी न्यू डाटा है 1.5, 2.5, बहुत जगह 2 और 3 लिखा होता है वो मत लिखिएगा। FADH2 जो है 1.5 ATP प्रोड्यूस करता है, NADH 2.5 और एसिटाइल कोएंजाइम 10 ATP प्रोड्यूस करता है। तो देखो अब कैसे प्रोड्यूस हो रही है ये बताती हूँ, देखो हमारा 7 है तो 7 FADH2 बनता है, 7 बार साइकिल चल रही है तो 7 FADH2 बनता है, 7 NADH बनता है और 8 एसिटिल कोएंजाइम बनता है। ठीक है, तो जब 7 FADH2 बन रहा है तो 1 FADH2 1.5 है तो 1.5 × 7 10.5, 2.5 NADH से मिलता है तो 7 × 10 17.5 और हमें पता है कि 8 ATP बनता है 1 एसिटिल कोएंजाइम से, तो 10 ATP बनता है 1 एसिटिल कोएंजाइम से, तो 8 है तो 10 × 10 × 8 कर देंगे तो 18 हो जाएगा, इनको ऐड करने पे 108 आएगा। लेकिन आपको याद है अगर कि तो जो एक्टिवेशन वाली प्रोसेस थी वहाँ पे 1 ATP यूज़ हो रहा था, ठीक है तो वहाँ पे 1 ATP तो यूज़ हो रहा था लेकिन वहाँ पे 2 बार चलती ना वो प्रोसेस वहाँ पे, तो ये 2 हो जाएगी। ठीक है, आया समझ में? तो एक्टिवेशन क्योंकि 2 बार करवाना पड़ता, मतलब 2 ATP का होता है, 2 ATP यूज़ हो रही है वहाँ पे, तो हमारा -2 हो जाएगा, तो हमारी टोटल कितनी ATP गेन हो रही है, अगर कभी कोई पूछे पाल्मिटिक एसिड में टोटल नेट ATP गेन 106। आया समझ में? मैं फिर से बता देती हूँ एक बार, बीटा ऑक्सीडेशन में 7 साइकिल है, FADH2 1.5 ATP प्रोड्यूस करता है एक बार में, NADH 2.5 और एसिटाइल कोएंजाइम 10। ठीक है, कितनी बार प्रोसेस चल रही है साइकिल, 7 बार, यानी 7 हमारा FADH2 बनेगा, 7 NADH बनेगा और 8 एसिटाइल कोएंजाइम बनता है, एक एक्स्ट्रा बनता है, 1.5 × 7 10.5, 2.5 × 7 17.5 and 10 × 8 10, मतलब 10 ATP बन रहा है ना, 1 एसिटाइल कोएंजाइम 10 बनाता है तो 8 कितना बनाएगा, 80 बनाएगा। ठीक है,
टोटल गेन एटीपी 108, और जो पहली प्रोसेस एक्टिवेशन वाली थी, एक्टिवेशन ट्रांसपोर्ट और बीटा ऑक्सीडेशन, लेकिन जो एक्टिवेशन वाली प्रोसेस थी वहाँ पे 2 ATP का यूज़ होता, तो लास्ट में हमारा कितना बन जाएगा 106। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये पालमिटिक एसिड वाला देखो समझ आया होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और 100% आएगा, मैं पहले बता दे रही हूँ। तो देखो लाइट भी आ गई, तो 100% ही आएगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए और प्लीज़ शेयर करा करिए थोड़ा सा मुझे भी, बाकी ठीक है चलो तुम पढ़ो अच्छे से, कोई एक बच्चा भी अगर अच्छे से मेरा वीडियो पढ़ रहा है जस्ट इन्फॉर्म मी। ठीक है, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।